चौधरी देवीलाल के पगड़ी बदल भाई सरदार प्रकाश सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल पार्टी हरियाणा में सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस समय मेरे साथ हैं इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आरएस चौधरी। इनसे जानते हैं कि उनका अपने दम पर चुनाव लड़ना इनेलो के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जी चौधरी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तथा हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बार बार एक बात कही है कि हम हरियाणा के हितों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यदि पंजाब में एसएडी या कांग्रेस या जो भी पार्टी हरियाणा में हरियाणा के हिस्से का पानी एसवाईएल के माध्यम से नहीं आने देती तो हम उस पार्टी के कभी भी सहयोगी नहीं हो सकते। जब मार्च 2013 में पंजाब विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि जमीन किसानों को वापस दे दी जाए, तब हमारे विपक्ष के नेता ने पंजाब विधानसभा में जाकर के इस बात का विरोध किया था और हमारी विधानसभा ने एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया था। तो आज जब एसएडी ने, जो उनके कार्यकारिणी ने ये एक निर्णय लिया कि हरियाणा के साथ हमारा कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होगा, हम अपने बूते पे चुनाव लड़ेंगे, हम तो ये घोषणा आज से 5 साल पहले कर चुके हैं कि हमारा अकाली दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा राजनीतिक। हरियाणा में इनेलो जो है उसका अपना एक ताकत है, अपनी एक पहचान है, इसलिए हमें इस बात का, अब जो उन्होंने निर्णय लिया, हमारे क्षेत्र पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। जो साहब, आपको लगता नहीं कि सिख वोट आपसे अलग हो जाएगा? देखिए, बात है, हरियाणा के अंदर भी दो धड़े बने हुए हैं, तो इसलिए हमें इस बात की कोई, पहले भी हमें कोई चिंता नहीं थी, ना आज भी कोई है। हमारी आज भी सरदारों के अंदर एक उनके हितैषी होने के, उनके हितों के रक्षक होने के नाते हमारी आज भी उनमें एक पहचान है, पकड़ है, इसलिए हमारी राजनीतिक तौर पर हमें इस पर इस उनके इस फैसले से कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये फैसला तो हम आज से 5 साल पहले खुद ही लेकर के घोषणा कर चुके हैं। जो सब सरकार ट्रिम्बल ट्रेल हिमाचल में चिंतन शिविर करने जा रही है, इसको इनेलो किस तरह से देखती है? इसका क्या फायदा होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, बात यह है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये 3 दिन का इन्होंने अपना एक चिंतन सेमिनार या समय रखा है, चिंतन का 3 दिन का समय रखा है, चिंतन का 3 दिन, चिंतन के लिए 3 दिन का समय रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रेस को वहां जाने पे पाबंदी लगाई हुई है। मैं ये समझ नहीं पाता कि पार्टी को ये क्या अपना निर्णय है, क्या चंडीगढ़ में कोई ये चिंतन मंथन, ये अपना जो सिस्टम, जो ये मीटिंग करने चले हैं, क्या ये चिंतन मंथन चंडीगढ़ में नहीं हो सकता था? ये तो मौज मस्ती है। कुछ लोग इसे पश्चाताप मिशन कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनका अस्तित्व तो खत्म हो चुका है, अपना ये स्पेस ढूंढ रहे हैं। जो सब, यानी कि आपका कहना है कि ये जो चिंतन शिविर भाजपा करने जा रही है, ये पश्चाताप और मौज मस्ती शिविर है? असल में यह पार्टी लोगों का विश्वास खो चुकी है। अब उस विश्वास कैसे वापस लोगों का प्राप्त किया जाए और कैसे पश्चाताप करके लोगों को अपना एक विश्वास पुनः उनमें बहाल करने का प्रयास किया जाए, इसलिए मोटे तौर पर लोग इसे पश्चाताप से भी समझते हैं। मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार के जो ये मंथन और चिंतन जो शिविर होते हैं वो सब एक मौज मस्ती के होते हैं, कोई इसके अंदर विशेष, जो कि चंडीगढ़ से तो लोग तो बाहर बाहर से चंडीगढ़ को आते हैं कि चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है और हम चंडीगढ़ छोड़ करके हिमाचल के वहां पर जा रहे हैं टिम्बर ट्रेल के अंदर चिंतन मंथन करने के लिए, कि चिंतन असल में सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। वैसे भी ये स्टेट कर्जे में डूबी हुई है,
माले मुफद्दिले बेरहम, सरकार का पैसा जनता का है, खर्च करे जाओ, आप आनंद बढ़ाए जाओ, मौज मस्ती करे जाओ, पश्चाताप करे जाओ, जो करना है करे जाओ, लोगों का तो विश्वास ये सरकार खो चुकी है। ये थे मेरे साथ इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आरएस चौधरी। इनका कहना है कि आगामी चुनाव में इनेलो शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ साथ इन्होंने खट्टर सरकार के चिंतन शिविर को भी पश्चाताप और मौज मस्ती का शिविर बताया है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।